सुल्तानपुर लोधी की धरती से गुरद्वारा श्री बेर साहिब के दर्शन कर आए हैं। प्रमुख स्थानों के यह स्थान है गुरु नानक देव जी संबंधित, क्योंकि गुरु जी का जन्म स्थान भी लहिंदे पंजाब दे विच है ननकाणा साहिब विखे, तो ज्योति जोत समाउणा स्थान भी लहिंदे पंजाब दे विच ही है करतारपुर साहिब विखे। तो यह प्रमुख स्थान है गुरद्वारा श्री बेर साहिब। अंदर चल के पहला दरबार साहिब के दर्शन करते हैं। इस दे हेठा ही भोरा साहिब भी है जिथे गुरु साहब ने तप किया सी। पिछले पासे वेई भी है, तो बेरी का भी दरख्त है जिहड़ी गुरु ने हत्थी दातण लाई सी, अज वड्डा रुख बनया होया है, उहदे भी आपां दर्शन करते हैं। इधरले पासे भोरा साहिब है जिथे गुरु साहब ने तप किया सी, ते इत्थे ही बेरी दा ओ दरख्त है गुरद्वारा बेर साहिब। इसलिए इसनू कहा जांदा क्योंकि जदों गुरु जी दातण करदे सी तां उहनां ने दातण इत्थे गड्ड दित्ती सी, तां उही बेरी अज हरी भरी है, फल भी लगदे ने। गुरु नानक साहिब जी दे वेले दी इह बेरी है जिसदे तुसीं दर्शन कर रहे हो। गुरु साहब जी ने अपने हत्थी ये दातण गड्डी सी जिहड़ी कि अज वड्डा रुख बन चुकी है, बेरी दा रुख है। हर साल इस बेरी नू फल भी लगदे, हुण भी लगे हुए छोटे छोटे। संगतां अपने आप नू बड़भागा महसूस करदियां ने इस बेरी साहब दे दर्शन करके। भोरा साहब ते बेरी दे दर्शन करन तो बाद हुण आपां इधरले पासे चलदे हां जिधर वेई नदी है, ते गुरु नानक साहब इत्थे ही इशनान करदे हुंदे सी। ते एक दिन उहनां ने चुब्भी मारी ते फिर तीन दिन अलोप रहे, ते फिर उहनां नूं इत्थे ही निर्वाण दी प्राप्ति हुंदी है। आपां वेई दे भी दर्शन करदे हां। ते किसे वेले इह वेई बहुत पलीत हो गई सी क्योंकि बहुत गंदा पानी पैण लग पिया सी इहदे 'च। फिर संत सीचेवाल होणा ने इहदी सेवा संभाली। जिहड़ा तुसीं हुण दृश्य वेख रहे हो ये सारी संत सीचेवाल होना वालों ही सेवा कराई गई है। 553वां इस बार प्रकाश पुरब है, 550वें प्रकाश पुरब मौके भी इत्थे बहुत वधिया प्रबंध किए गए सी। वड्डे पद्धर दे उत्ते गुरु साहब का प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया सी। ते आ सामने वो वेई है जिथे गुरु साहब खुद इशनान करते सी, ते हुण संगतां भी इशनान करदियां ने। अगले पासे ही गुरद्वारा संत घाट साहिब है जिथे गुरु साहब प्रगट होए सी। जदों अलोप हुंदे ने तां उस तों बाद प्रगट गुरु साहब काफ़ी अग्गे जा के है। वो 1.5 तों 2 किलोमीटर इत्थों गुरद्वारा साहब आ। तो यह वेई का नाम काली वेई है। तो तुहानूं पाणी दे विच हुण विजुअल आ रहा होना कि थोड़ी जी काली है ये, क्योंकि पानी इहदा बिल्कुल साफ आ। सिर्फ उधरों आपां हाथ दे नाल पानी लिओ, चूड़ा भरियो, तो फिर मैं दिखाना यदा जो थल्यों बैड है ना वो काला आ, क्योंकि रेता थले काली है, इस करके इनू काली वेई कही कहा जाता। रिफलैक्शन पैंती करके पानी साफ नहीं दिखता, तो उदा पानी यदा बिल्कुल साफ आ। तो सिर्फ नाम यदा काली वेई है क्योंकि यदा थले जो बैड जिन्हों आप कहने तालवा जड़ा वो काला होने करके
पानी काली भाव मारदा इस करके इहदा नाम काली वेई आ। वैसे पानी इहदा बिल्कुल साफ आ। आपां हुण गुरुद्वारा संत घाट वाले पासे नूं चलदे आ जिथे गुरु साहब जाके प्रगट होए सी तिना दिनों बाद। आपां पहुँच गए वेई दे उस किनारे ते जिथे गुरुद्वारा संत घाट है ते इत्थे ही गुरु साहब तीजे दिन प्रगट होए सी ते इत्थों ही मूल मंत्र दा उन्होंने उच्चारण किया सी। हुण इत्थे पंटून पुल रख दिता गया। ये 550 साल जदों गुरु नानक देव जी का गुरपुरब मनाया गया उस वेले ये आरजी तौर पर इत्थों रस्ता वेई नूं पार करन दा बना दिता गया सी। ते गुरद्वारा संत घाट इधरले पासे है जिथे वो सामने चाननियां लगियां देख रही हैं। तो इधर मूल मंत्र स्थान की उसारी हो रही है। ये उसारी अधीन है इमारत। तो आपां गुरद्वारा संत घाट वाले पासे नूं चलदे हां। अपने आप नूं बड़ा वडभागा महसूस कर रहे हैं कि गुरु नानक साहब इत्थे ही उन्हां दी चरण छोह प्राप्त धरती है। तो इत्थों वह किसी वेले जांदे होणगे तुरदे होणगे तो सानू भी मौका मिलिया कि असीं उन्हां थावां दे दर्शन कर सकीए। पहुँच गए आपां गुरुद्वारा संत घाट। इत्थे भी बाद विच इमारत नवीं बनाई गई सी क्योंकि हड़ां दे कारण ये जिहड़ी पुरानी इमारत है ये तबाह हो गई सी। इस करके फिर गुरुद्वारा साहब की नवीं इमारत इत्थे उसारी गई है। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।